प्रणाम बच्चों, बेटा हम अभी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, क्लियर? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है, ओके? उसका अस्तित्व क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है बेटा, वो संवैधानिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और संविधान के दायरे में रह के बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये बॉडी काम करती है। तो इस चैप्टर में हम हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत होती है कि हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट द लॉज। वो कौन है जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है बेटा, सत्ता देता है कि वो डिसीजंस ले सकती है, वो लॉज को फ्रेम कर सकती है, वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन वॉट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन दैट द पर्टिकुलर कंट्री। आंसर इस बात में छुपा हुआ है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में किस टाइप की, एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय धैम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स। ओके, अगर डेमोक्रेटिकल कंट्री है जैसे हमारा इंडिया है बेटा, तो पार्लियामेंट्री क्रेसी को हम मानते हैं, है ना? डेमोक्रेटिकल फॉर्म टू टाइप्स का होता है, प्रेसिडेंशियल होता है और पार्लियामेंट्री होता है। जैसे अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है। अभी अभी जस्ट आपने देखा कि इलेक्शंस हुए, है ना? जो बाइडेन जो है वो न्यू वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके के इलेक्टोरेट उनके पास मेजोरिटी में है, तो दिख रहा है कि वो कम्प्लीटली वहाँ के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल। और हमारे इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है। इंडिया में भी पार्लियामेंट के हेड तो प्रेसिडेंट ही होते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा काम करने के तरीकों में फ़र्क आ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम पावर है बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी किस टाइप की है। और ये डेमोक्रेटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको जो है डायरेक्टली जो लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में ये पावर लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि जो पर्सन्स डेमोक्रेसी को चलाते हैं या इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं बेटा, वो हमारे थ्रू ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट होके गए हैं। इसीलिए हम उनको इलेक्टेड एजेंट्स भी कहते हैं। दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट। द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड द रीज़न फॉर द डिसीजंस अंडरटेकन। बराबर, ये जो गवर्नमेंट है बेटा, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट है, वो एक तरीके से देखा जाए तो जो भी मतलब एक क्लैरिफिकेशन, प्रोवाइड द रीज़न फॉर द डिसीजन अंडरटेकन। जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पास होता है, कोई बिल लाया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन लाए जाते हैं, तो बहुत तरह तरह के डिस्कशंस होते हैं। एक क्लैरिफिकेशन मतलब जो भी कारण है उनको क्लियर किया जाता है, क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, क्योंकि ये सारे पर्सन आंसरेबल, यानी कि इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द मोनार्की। मोनार्की यानी कि बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ में जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनके मेंबर्स ही हेड बनते हैं। तो उस तरीके के मोनार्ची सिस्टम को भी हमने देखा, जैसे इंग्लैंड है, उसमें क्वीन रूल माना जाता है बेटा। नो डाउट उनका भी अपना पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट की जगह जो है वो क्वीन होती है हमेशा। ओके, तो हम देख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक द डिसीजन एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ द किंग और अ क्वीन। किंग डिस्कस द मैटर्स विद हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग और अ क्वीन ओनली। बराबर, मोनार्ची सिस्टम में बेटा किंग है, क्वीन है, वो अपने पूरे के पूरे जो उनका एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, उसके साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन उन पर ही डिपेंडेड होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है बेटा। डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी, हर वो पर्सन जो उस डिस्कशन में हिस्सा ले रहा है, सबका ओपिनियन इंपॉर्टेंट रखता है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर पावर टू रूल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। बराबर, लेकिन डेमोक्रेटिकल फॉर्म में, डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं उनके ही हाथ में पावर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनके ही रिप्रेजेंटेटिव जो है
इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं बेटा। सबका ओपिनियन इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा है कि पीपल देमसेल्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी, यानी कि उनका जो पर्टिकुलर लक्ष्य है बेटा, उनकी जो डेस्टिनी है, उनकी जो मंजिल है, उसकी मतलब वो जो उसका पूरा पाथ है बेटा, वो लोग ही तैयार करते हैं, बराबर। वो उसको वही डेमोक्रेसी को एक तरीके से वही चलाते हैं, और अपने जो उनके पर्टिकुलर सिद्धांत हैं उसके बेस पर चलते हुए सारे कामकाज किए जाते हैं। द वर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही। गुजराती में बेटा डेमोक्रेसी को लोकशाही कहा जाता है। लोक मतलब लोगों के द्वारा, शाही मतलब सत्ता, है ना, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता, यानी कि लोकशाही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, इट मीन्स डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमको पता है बेटा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार, तो मेन एम क्या है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट है जो हमेशा अपने देश के लोगों के लिए सोच के बनाई जाती है और उनके द्वारा बनाई जाती है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी में हर 5 ईयर्स पे बेटा इलेक्शंस होते हैं, हम हर 5 ईयर्स पे अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है, हमारी जो लोकसभा है, उसमें रूलिंग पार्टी आती है और नए सिरे से कामकाज शुरू करती है। यहाँ पे हमको एक चार्ट वर्क दिया है बेटा, उसमें हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया है, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्ची सिस्टम एंड द डेमोक्रेसी। मोनार्ची सिस्टम किंग और क्वीन रूल हम आगे भी देख गए, और डेमोक्रेसी का भी बेटा 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, यूनिटरी गवर्नमेंट्स यानी कि जो जो यूनाइटेड वे में चलती है, और एक फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि कोरिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्टेट का पर्टिकुलर यूनियन होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में कम्प्लीटली वन यूनियन होता है। ऐसी पार्लियामेंट्री में भी सेम इज यही प्रोसेस है, यूनिटरी गवर्नमेंट है और फेडरल स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बेटा, हम इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं मानते, अमेरिका अपने आप को फेडरल कंट्री स्टेट मानता है, उसकी स्टेट सिटीजनशिप और कंट्री सिटीजनशिप अलग होती है। थोड़ा सा इसमें एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग पड़ते हैं, बाकी अगर दोनों को समझने की कोशिश की जाए तो लगभग 80% जो है काम काज तरीका, उसके बॉडी के फंक्शंस, बराबर उसके डिपार्टमेंट सब एक जैसा है। तो फेडरल स्टेट हमारा इंडिया भी एक तरीके से देखा जाए बेटा तो स्टेट्स का पर्टिकुलर एक यूनियन है, संगठन है, लेकिन फिर भी हम कभी भी फेडरल वर्ड को यूज़ नहीं करते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, उसकी जगह हमने यूनियन वर्ड को यूज़ किया है, यूनियन ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा कि कैसे हम इलेक्शंस को समझ सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव को कैसे जो है इलेक्ट करते हैं, कि योर स्कूल मस्ट हैव बिन ऑर्गेनाइजिंग द इलेक्शन फॉर द स्कूल पंचायत, सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बिन इलेक्टेड। एट टाइम्स इट हैपन्स दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली, एज अ रिजल्ट अदर हु वॉन्टेड टू बी द मॉनिटर फील डिसकंटेंटेड एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आपके स्कूल के अंदर जो है पंचायत, मतलब एक तरीके से स्कूल पंचायत एक अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, उसमें अलग अलग क्लास मॉनिटर्स होते हैं, उनके भी एक हेड होते हैं कमिटी के, बराबर। तो यहाँ पे देखा जा सकता है बेटा कि हम जी आप जिसको वोट करेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के वोट जिस पर्टिकुलर मॉनिटर को मिलेंगे वही हेड कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर उसके साथ दूसरे जो खड़े हैं तो उन ये डिपेंड करता है कि उनको कितने वोट्स मिले हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और हम इस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। तो सेम एज डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही है बेटा कुछ। देखो, लाइक इट टू द इज इन डन इन द स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस इन द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सिलेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस मिनिस्टर आर असाइनेड वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज, बराबर। ऐसे ही सेम है जैसे छोटा सा स्कूल का एग्जाम्पल है कि पर्टिकुलर एक मेन हेड ग्रुप होता है, वो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रखता है, उनसे
अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं वो सारे लोग करते हैं, वैसे ही एक कंट्री के अंदर भी बेटा एक रूलिंग पार्टी होती है जो गवर्नमेंट के फॉर्म में काम करती है, उसका अपना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर बेस होता है ना। मैंने कई बार नाम लिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, तो इनके मिनिस्टर्स होते हैं और तो ये सारे के सारे अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कामकाज संभालते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो काम तो करना पड़ेगा, तो सब अपने अपने काम में जो है रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब तरह का। ओके, तो सब अपने अपने कैबिनेट्स के डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। अब यहाँ बताया गया बेटा कि हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्मेड, कैसे पार्लियामेंट बनती है, किस तरीके से पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर वो बॉडी प्रिपेयर होती है बेटा। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है बेटा, पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है बेटा। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें दो हाउसेज हैं, बराबर। हमारा जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, टू टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक यूनिकैमरल होता है और एक बाइकैमरल होता है। यूनिकैमरल में वन हाउस सिस्टम होता है, बाइकैमरल में टू हाउसेज सिस्टम होता है। तो हमारा इंडिया जो है वो बाइकैमरल यानी टू हाउसेज सिस्टम वाला पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि टोटल मेंबर्स कितने होते हैं पार्लियामेंट में। तो दोनों ही हाउसेज में अगर देखें तो फर्स्ट वन है लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। मेनली हमारे पार्लियामेंट्री बॉडी स्ट्रक्चर में बेटा सारा कामकाज देखा जाए तो लोअर हाउस में ही प्रॉपरली कंडक्ट किया जाता है। लोकसभा के अंदर टोटल बेटा 545 मेंबर्स होते हैं, बराबर। और ये जो सारे मेंबर्स हैं वो जब इलेक्शंस होते हैं बेटा लोकसभा के, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर से जो है इनकी सीट्स बनती है। तो जैसे हमारे गुजरात हैं, उसकी 26 सीट्स है ना, वैसे ही राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 11 सीट्स हमारे गुजरात की है। लोकसभा का इलेक्शन बेटा डायरेक्टली होता है, जहाँ पे लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है, हमने जिन लोगों को स्टेट असेंबलीज में चुना है यानी विधानसभाओं में चुना है, उन्हीं में से मेंबर्स चूज होकर राज्यसभा में जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो भी हम हमारे थ्रू ही इलेक्ट हुए मेंबर्स माने जाते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मेट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द सिम्बॉल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो एक यूनिटरी फॉर्म में दिखाई देता है। द मेन फीचर ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल्स कंसर्न एंड देयर पार्टिसिपेशन, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को देखकर हमको पता चलता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है बेटा जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर सारे के सारे जो डिस्कशंस होते हैं बेटा, बराबर, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट वे में दिखाई देता है। इन अवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एन्जॉय द कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइजेज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। पार्लियामेंट कंप्लीटली सारे पावर्स को एन्जॉय करता है, वो फ्रेम्स को लॉ करता है, फ्रेम्स को इम्प्लीमेंट करता है और लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और लॉज को एनफोर्स्ड करने का काम करता है। जो हमारी जुडिशरी है वो एक तरीके से लॉज को लुक आफ्टर करने का काम करती है। अब यहाँ पे हमारे इंडियन पार्लियामेंट का एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर दिखाया है, पूरा सर्कुलेट बिल्डिंग हमको दिख रहा है बेटा, है ना, लगभग 290 अप, इसमें कुछ 300 के आसपास कमरे हैं बेटा। अब आप देख सकते हो बीच का हमारा पूरा लोकसभा भवन दिखाई दे रहा है, सामने स्पीकर की सीट दिख रही है आपको, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, उनकी सीट्स हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करता है बेटा, पार्लियामेंट का काम क्या है। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। पार्लियामेंट जो है बेटा वो गवर्नमेंट के कामकाज को कंट्रोल भी करता है, उसकी दे उसको देख रेख रखता है, उसको इन्फॉर्मेशन भी देता है और उसको गाइडेंस भी देता है, ताकि वो कोई गलत डिसीजन या गलत तरीके के लॉज या एक्ट या कानून ना बना दे। टू मेक द लॉज एंड मेक द अमेंडमेंट इन दैम, कानून बनाने का काम करता है और उसके अंदर अमेंडमेंट यानी सुधार लाने का भी काम करता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है बेटा कि हाउ इज़ द लोकसभा फॉर्मेट, कैसे हमारा लोअर हाउस यानी कि हमारी लोकसभा जो है बेटा वो फॉर्म होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से बनती है।
ओके, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। देखो, द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा आर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बराबर। लोकसभा का इलेक्शन जो है बेटा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, आर कंडक्टेड इन द सेम वे, बराबर। स्टेट के अंदर जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, वैसे ही जो है सेंट्रल में लोकसभा का इलेक्शन होता है बेटा। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे ये चुनाव होते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर एरिया या जोन होता है। जैसे हमारा वस्त्राल एरिया है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ऑडव एरिया है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, जिसमें हमारा पर्टिकुलर एक मेंबर, एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक पार्टी का होता है, जिसमें से हमको जो मेंबर ज़्यादा कैपेबल दिखाई देता है बेटा, उसमें वो एबिलिटीज हमको दिखती है कि ये प्रॉपरली जो है हमारे एरिया के लिए काम करेगा, तो हम उसको इलेक्शन में चूज़ करते हैं। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट फॉर द सीट इन द पार्लियामेंट आर यूजुअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के होते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MPs कहा जाता है। ऑल दीज इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा, और ये जो सारे मेंबर जो अलग अलग स्टेट में से इलेक्ट होकर आए हैं, ये सारे मेंबर जो है लोकसभा यानी कि हमारे लोअर हाउस के मेंबर्स बनते हैं। अब देखो बेटा कि हाउ इज द रूलिंग पार्टी फॉर्मेड, कैसे रूलिंग पार्टी बेटा, क्योंकि यही रूलिंग पार्टी जो है वो कंट्री की गवर्नमेंट यानी कि देश की सरकार बनती है बेटा। देखो कि आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्मेड। लोकसभा के इलेक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं, उसमें जो पार्टी मेजोरिटी में आती है बराबर, तो उस मेजोरिटी पार्टी का जो हेड लीडर होता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बेटा कॉल अप देते हैं, उसको बुलाते हैं। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम्स अ क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। इफ द पार्टी वॉन्ट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड देर शुड बी अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दैट पार्टी, आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी और अ कोलिजन ऑफ द पार्टी विच हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी मेजोरिटी वोट के साथ आती है, या फिर जो पार्टी और उसकी जो सपोर्टिंग पार्टीज का ग्रुप है, जैसे हमने देखा है कि BJP की सपोर्टिंग पार्टी के साथ जो है NDA का ग्रुप है, कांग्रेस की सपोर्टिंग पार्टी के साथ UPA का ग्रुप है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है बेटा, लेकिन वो अपनी सपोर्टिंग पार्टीज के मेंबर्स के साथ मिलके भी पार्टी बना सकती है, और उन सारी पार्टियों में से एक हेड ऑफ द मतलब जो मेन पार्टी होती है, और ज़्यादातर उसके ही मेन हेड लीडर होते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में बेटा वो मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो हेड लीडर है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर की यानी कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में ओथ दिलवाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर जो है बेटा अपनी कैबिनेट में से डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स का लिस्ट प्रिपेयर करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, और सेम इज इन्हीं मिनिस्टर्स को भी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ओथ यानी प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है और कैबिनेट का गठन होता है, जो इस पैराग्राफ में लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिज पार्टी इन दिस वे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्मेड, द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजन, दिस मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स सच एज द हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बराबर। मैंने जैसे ही पहले बोला कि कैबिनेट के अंदर बेटा सब अलग अलग डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, तो हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स अलग अलग बनाते हैं बेटा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने सारे लीडर्स में से बेटा जो पर्टिकुलरली हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है ना, कि कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकता है, कोई डिफेंस को कर सकता है बराबर, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को कर सकता है, कोई फॉरेन डिपार्टमेंट को कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपने कैपेबल लीडर्स को चूज़ करते हैं और उनको वो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट देते हैं, और ये सारे मिनिस्टर्स जो है बेटा प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से आंसरेबल होते हैं। ये जो कुछ भी फंक्शनिंग करते हैं, जो कुछ भी कामकाज करते हैं, इसकी समय समय पे उनको कम्प्लीटली रिपोर्टिंग जो है एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ती है, और प्राइम मिनिस्टर ये सारा रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट के रूप में कंट्री में काम करती है। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है कि हाउ इज़ द राज्यसभा फॉर्मेड, वो हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। ओके, तो हाफ एन चैप्टर हमारा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।